देखिए, आज हम दिखाएंगे आपका शीट नंबर 33 में कैसे कॉलम रो और इसमें क्या क्या चीज़ माउस की सहायता से अपने आप बंद कर दिए, जैसे कि संडे मंडे है या फिर जनवरी फरवरी या फिर 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं कीबोर्ड की सहायता से, जैसे कि इसमें मान के चलो कोई भी कॉलम इंसर्ट करनी है, जैसे कंट्रोल प्लस से आपने पहले भी देखा हो बीच बीच में किसी वीडियो में। ठीक है, उसकी सहायता से जैसे मान के चलो ये है कोई भी हमारी कॉलम है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक कॉलम लानी चाहिए, जैसे कि मान के चलो इनके बीच में हमारा कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई भी एक वैल्यू छूट गई हो, तो उसे डालने के लिए कंट्रोल प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से डाल सकते हैं और कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी देखो ऊपर इस साइड से भी इसी प्रकार से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल माइनस से कट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वैल्यू डाल के इसमें कोई। ठीक है, जैसे कि अभी हम इसमें डाल रहे हैं कोई वैल्यू, जैसे कि बता रहा था मैं संडे मंडे का डालते हैं इसमें। ठीक है, देखो संडे मंडे हो या जनवरी फरवरी, ठीक है, तो उसे कैसे यूज़ में ला सकते हैं हम इसमें, इसमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी थी, संडे मंडे और जनवरी फरवरी। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम सिर्फ आधा वर्ड लिख लेंगे, जैसे कि मान के चलो हमें संडे लिखना है। ठीक है ना, संडे हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम इसे यहाँ से ट्रैक कर लेंगे, देखो अपने आप फिल हो गया सारा। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसे नीचे भी करेंगे, नीचे भी कर सकते हैं, यहीं से पकड़ा ऐसे भी आ गया, तो इस प्रकार से हम इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो पूरी शीट को तैयार है अपने आप ही, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे करेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद ये हो गया हमारा संडे मंडे के जैसे कि आपने देखा था। ठीक है, ये हो गया संडे। यदि मान के चलो हम आधा लिखेंगे तो आधा आया, सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट लेटर आएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि पूरा लिखना चाह रहे हैं हम, ठीक है, तो अब की बार संडे पूरा लिख लिया हमने, इसी प्रकार से हम संडे को भी पूरा ड्रैग करेंगे। तो देखो अब की बार सारे टोटल आए लिख के पूरा वर्ड। ठीक है, इसके बाद ऐसे नीचे भी क्या ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें भी कर सकते हैं, देखो। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसके बाद इसे भी डिलीट करेंगे हम। डिलीट करने के बाद अगला चलाएंगे हम इसमें जनवरी फरवरी। ठीक है, तो जनवरी हो गया हमारा, जनवरी भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने यहाँ से लिया, देखो इसके सिर्फ शुरू के 3 लेटर आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसे नीचे भी कर ड्रैग करके देखेंगे तो नीचे भी आ गई। ठीक है, इसके बाद इसे भी डिलीट करेंगे हम, सिर्फ जनवरी का है तो जनवरी का सिर्फ 3 लेटर लिख लेंगे ऊपर के। ठीक है, ये जनवरी हो गया हमारा, इसे भी ड्रैग कर लेंगे। इसके बाद देखो हम पूरा वो करेंगे, पूरा जनवरी फरवरी लिखेंगे, जनवरी। ठीक है, जनवरी हो गया, ऐसे भी हम पूरा लिख देख के इधर तक ट्रैक करके नवंबर दिसंबर, तो ठीक है आ गया पूरा हमारा नवंबर दिसंबर तक। इसी प्रकार से हम इसे भी नीचे भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद इसे भी करेंगे हम डिलीट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 1 2 3, इधर ही ले लेंगे हम, ऊपर सीरियल से चलाएंगे ताकि इसमें बीच में प्रॉब्लम ना हो कोई भी। ठीक है, के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से लिख लेंगे 1, अगली शीट में लिख लेंगे 2। ठीक है, इन दो को लिखने के बाद इसमें करेंगे, अब हम करेंगे इन दोनों को सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ेंगे और इसे भी इसी प्रकार से, तो ठीक है देखो सीरियल वाइज आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम करते हैं। इस प्रकार से हम इसे नीचे भी ट्रैक करेंगे, तो देखो यहाँ से का इस प्रकार से एक ही एक आएगा, यदि इसे पूरा करना है तो यहाँ से क्लिक करो फिल। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम इसे। इसके बाद इसे भी डिलीट करते हैं, अब हम अगला दिखाते हैं हम इसमें और क्या बना सकते। देखो इसमें हाँ अल्फाबेट नहीं बना सकते हम, जैसे कि मान के चलो ए, ए के बाद बी। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये नहीं होगा, ए बी ए बी ए बी आता रहेगा बस इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्फाबेट को काउंट नहीं करता, सिर्फ ये नंबर्स को और या फिर ये वर्ड इन्हें ब्लिट वो कर सकेगा, फिल कर सकता है बस ये। ठीक है, इसके बाद और दिखा रहे हैं हम अभी, इसे भी डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद जैसे कि अभी आपने देखा हो कोई भी टेबल्स वगैरह बनाना, टेबल बनाना हो जैसे कि 2 का 4 का
किसी का भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसमें इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो इसमें हरा है 2 का बड़ा, नीचे भी कुछ भी, हम जितना भी इसमें स्पेस देंगे, ठीक है, इसमें उतना ही आ जाएगा। मान के चलो 2 के बाद यहाँ से हम 2 तो ऊपर लिखा है, 8 कर लिया हमने, ठीक है। तो इन दोनों का भी इस देखो, इन दोनों के गैप के बीच का वो उसी प्रकार से चलता रहेगा, जिनके बीच में जितना गैप होना चाहिए। देखो जैसे कि 2 के और 8 के बीच में कितना गैप है, 6 का, 6 के और 8 के और 14 के बीच में कितना गैप है, इसमें भी 6 का गैप, इसी प्रकार से 6-6 के गैप से चलता रहेगा, ठीक है। ये होता है एक्सेल का, ठीक है। इसमें कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो हम अभी कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि मान के चलो कितने हैं आप, 2023 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद 2024, ठीक है, ये हो गया। अब हम इन दोनों को एक साथ में जब भी ड्रैग करेंगे तो इसके बाद इसी के सीरियल से चलता रहेगा। देखो जैसे कि इसमें दिख भी रहा 2023-24, ठीक है, यहाँ तक आ गया 2033 तक। तो इस प्रकार से हम इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी क्लियर होने के बाद अब हम करेंगे इसे दोबारा से, ये यहाँ से इलाके से सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर प्रेस करना पड़ता है, ठीक। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू या कोई भी टेबल एक्सेल में इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दिखाएंगे हम अगला, उसमें टैक्स PA PSI किसी भी सैलरी स्लिप को बनाना दूसरे तरीके से, ठीक है, शीट नंबर 34। तो ठीक है, उसे देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।